सकते हैं, मीडियम साइज डॉग ब्रीड भी कह सकते हैं, और काफी एक्टिव डॉग ब्रीड है। इस डॉग ब्रीड की मैं क्वालिटी भी इस वीडियो के अंत में आपको जो भी हमारे इस वीक के डॉग के कलेक्शन है वो सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आज का हमारा डॉग ब्रीड, जो कि महीने में दो बार है ना अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, तो मतलब बच्चा आपका 1 kg का है तो 1 ml, 5 kg का है तो 5 ml। पहला वैक्सीन लगा हुआ है जो कि 30 days पर लगता है, उसको पप्पी डी भी बोलते हैं, वो लग चुका है। दूसरा वैक्सीन इसका लगेगा 45 days पे, फिर आफ्टर 21 days। अभी कोई टेंशन नहीं, लेकिन आफ्टर 90 days, तो 90 days से एक दो दिन पहले ही करा। आफ्टर 90 days मतलब किस कब से 90 days? अभी मैंने जब आपको बताया 45। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आर्यन पेट शॉप से। तो आज हमारे पास एक कस्टमर आए हैं, एक समझ लीजिए प्लेफुल डॉग है, अपना टॉय ब्रीड में आता है, और टॉय ब्रीड भी कह सकते हैं, मीडियम साइज डॉग ब्रीड भी कह सकते हैं, और काफी एक्टिव डॉग ब्रीड है। इस डॉग ब्रीड की मैं क्वालिटी भी इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो के अंत में आपको जो भी हमारे इस वीक के डॉग के कलेक्शन है वो सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आज का हमारा डॉग ब्रीड, जो कि हमारे जो कस्टमर है अप्रोक्सीमेट पटना से ही है, अप्रोक्सीमेट यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास रेंज रहा होगा, तो 10-12 किलोमीटर के रेंज से आए। चलिए जानते हैं उनसे कि कहाँ से आए हैं और उनका एक्सपीरियंस कैसा है डॉग को लेकर के, और हमारे साथ का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, और जो भी मैंने डॉग ब्रीड वगैरह दिखाया है वो सब आप वीडियो के एंड में भी देख लेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये है आज का हमारा डॉग ब्रीड बीगल की फीमेल पपी, और बीगल आपका बहुत ही मतलब पॉपुलर डॉग ब्रीड है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में मोस्टली। और इसकी मेन खासियत या क्वालिटी या पहचान कह लें वो ये है, इसके लंबे कान। तो जो इसके कान होते हैं वो हेड से काफ़ी लंबे होते हैं, जो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। और इसकी मेन होती है क्वालिटी में मार्किंग, जो कि आपको यहाँ पर प्रॉपर दिखेगा इसके फेस पर, डायरेक्ट दोनों साइड आपको गॉगल्स दिख जाएंगे, बीच में ऐसा लाइन है, और काजल तो इनके आंखों में होता ही है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये है हमारा बीगल का फीमेल डॉग ब्रीड। चलिए मिलाते हैं आज के हमारे कस्टमर से। हाँ नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष है। उत्कर्ष, और आपका मैम? आई एम शिप्रा। शिप्रा, एड्रेस क्या बताया था आपने आपका? कदमपुर राजेंद्र नगर के पास। अच्छा, राजेंद्र नगर के पास। नंबर कहाँ से मिल गया था मेरा आपका नंबर? यूट्यूब से मिला था। यूट्यूब से वीडियो देखते हैं? अगर आप लोग भी देखते हैं तो कमेंट और लाइक जरूर करें, इन्होंने तो किया नहीं कमेंट। तो आपने फोटो वीडियो भी मांगा था शायद बीगल का, तो उसमें जो मैंने वीडियो में भेजा था आपको फोटो वीडियो, तो क्या कलर क्वालिटी सब उससे बेटर लग रहा है कि कम लग रहा है? रियलिटी में देखने में ज्यादा बेटर लग रहा है। थैंक यू। तो आप लोग ने जो मेरा नंबर देखा था, तो यहाँ एड्रेस तो आपको पता ही है, हमारा बेउर में है, अरिशाबाद बेउर में, होलास बिहार फेज 2, ये हमारा एड्रेस हो गया। इनको काफी परेशानी हो गई क्योंकि इधर का रास्ता थोड़ा सा खराब है। तो आप लोग कुछ सवाल है अगर डॉग को लेकर के, क्योंकि आपने बताया कि जैसा कि आपका फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम जो भी डॉग ओनर होते हैं उनको थोड़ा सा शुरुआत में लगता है कि हाँ भाई क्या डॉग को खिलाना पिलाना चाहिए, क्या कुछ केयर करना चाहिए उसको लेकर के, तो आप लोग जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं, और खाने पीने का कोई सामान वगैरह भी चाहिए या तो स्टार्ट करते हैं। जो भी डॉग ब्रीड 35 to 45 होते हैं या 1.5-2 महीने के जो भी पपीज है, उनका शुरुआत से जो खाने पीने का शेड्यूल होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ, और आप लोग भी इसको जहाँ भी आपको कंफ्यूजन लगे बीच में रोक के आप पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं शुरू से बता रहा हूँ। जैसे एट अ मॉर्निंग सुबह जैसे उठे, उसके बाद जो शेड्यूल होता है जैसे 8-9 बजे उठते होंगे आप लोग, तो 9 बजे के आसपास मान के चलते हैं, ठीक है? तो 9 बजे आपने सुबह 1 लीटर का पानी दे देंगे, गर्म पानी, क्योंकि मौसम ठंडा है तो थोड़ा गर्म पानी रहेगा तो बेटर रहेगा। तो ये गर्म पानी 1 लीटर का दे देना है, उसके बाद इसमें डालना है, इसमें से 10 से 15 दाना डॉग फूड और एक मिल्क फीड आता है, तो 10 से 15 दाना डॉग फूड डाल दिए, उसके बाद इसमें से 1 चम्मच मिल्क डाल देना है, तो पाउडर है ये, और इसको 15-20 मिनट के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे, 15-20 मिनट फूल जाएगा, आराम से हाथ से क्रश करके डॉक्टर दे देगा, वो लिख करके समाप्त करेगा। ये सुबह का खाना हो गया इसका, उसके बाद ये कैल्शियम हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, और लीवर टॉनिक हो गया, ये तीनों एक अभी डेढ़ एम एल तीनों में से पिला देंगे, ठीक है? 1.5 ml ये तीनों में से पिला देंगे आप
खाने में भी मिला के दे सकते हैं, अगर आपके डॉग खा लेता है टेस्ट उसको अच्छा लगेगा तो खा लेगा, ये तो छोड़ भी सकता है, तो वो रिस्क है आपको। जैसे आपके डॉग अगर मैनेज कर लेता है तो खाने में ही मिला कर दे देंगे, नहीं तो आप अकेले भी दे सकते हैं। जैसे नॉर्मल सा सिरिंज हुआ जैसे लेते हैं उसका नेडल निकाल देते हैं ना, सिरिंज से डेरे में काट करके उसका मुंह बस खोल कर डाल देते आराम से। वो कह रहे ये सुबह का हो गया, उसके बाद दोपहर का जो मील होगा उसमें आप छेना का यूज़ कर सकते हैं, छेना के साथ डॉग फूड आप दे रहे हैं या कभी कुछ सोयाबीन हो गया या कुछ, अब ऐसा तो दही देते हैं लेकिन दही नहीं दे रहे हैं, जो मौसम ठंडा रहेगा तो दही नहीं देंगे, जिस समय मौसम आपको लगे गर्म है थोड़ा उसमें आप दही का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसका दोपहर का मील हो गया, दोपहर में आपको बताया मैंने जैसे पनीर वगैरह दे सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो उसके साथ फूड के साथ आप ऐड कर सकते हैं, जैसे छेना हो गया कभी अंडा भी हो गया, ये भी हो गया दोपहर जैसे 9 बजे आप दे दिया, फिर 12 से 1 के बीच में दे दिया, उसके बाद 4 से 5 के बीच में दे देना, उस टाइम में आप एज अ स्नैक्स बिस्किट वगैरह दे सकते हैं, छेना भी खिला सकते हैं डायरेक्ट, थोड़ा सा ही देना बहुत ज़्यादा मतलब स्नैक्स टाइम है समझिए, चाय नाश्ते का समय है तो उसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, उसको छेना दे सकते हैं, अंडा दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं, ये कैसे मोहन वगैरह भी खिला सकते हैं, ये दोपहर के खाने के बाद आप कभी भी दे सकते हैं। साथ में मैंने आपको बता दिया जो थोड़ा भी स्नैक्स में कुछ दे सकते हैं, उसके बाद फिर वैसे जैसे सुबह आपने 9 बजे दिया था तो रात के भी 9 बजे का ही टाइम लेकर चलेंगे, सुबह जितने बजे दिया उतना ही बजे चलेगा, सुबह जैसे आपने खाना दिया था सेम वही रहेगा, ये मिल्क वाला फीड नहीं करेंगे है ना, ये नहीं खिलाएंगे, बाकी सेम वैसे बस पानी में इसको फुला करके दे देंगे, मतलब मन करेगा कभी नहीं खा रहे हो तो थोड़ा सा मिला कर दे देंगे, लेकिन ऐसा ये सिर्फ एक टाइम दीजिएगा तो चलेगा, सिर्फ एक टाइम ही खिलाना है। उसके बाद आपका मेन प्रक्रिया आ जाता है डिवॉर्मिंग का, ये आपको करना है, लिवर टॉनिक जो होता है लिवर टॉनिक ये 2-3 दिन चल जाना चाहिए डॉक्टर, जब ये 2-3 दिन चल जाता है उसके बाद ये तीसरे दिन आप देंगे सुबह सुबह खाली पेट में, सुबह देंगे इसको खाली पेट में, उसके 3 घंटे बाद खाना देना, तो ये डिवॉर्मिंग जो है ये लाइफ टाइम चलता रहता है, और ऐसे ही खाने में गैप आप दाल रख करके इसको चलाएंगे, मतलब ये जो हम स्टार्ट करेंगे ये हम कल से स्टार्ट करेंगे तो उसके 2 दिन या तीसरे दिन हम ये देंगे, और फिर नेक्स्ट हम कब देंगे 50 आपका 50 डेज तो रिपीट होता रहेगा, 50 डेज पर 2 बार देना है, महीने में 2 बार देना है, और इसका महीने में 2 बार देना अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, तो मतलब बच्चा आपका 1 kg का है तो 1 ml, 5 kg का है तो 5 ml, जितना ये कितने केजी की है आपका 2.5 kg के आसपास का होगा, तो जितना केजी का आप वेट करा लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, तो अकॉर्डिंग टू वेट इसको आप दे देंगे, और खाना 4 घंटे बाद ही होगा, बाकी कुछ भी समस्या रहेगा तो मेरा नंबर तो है ही आपके पास, ये पाउडर है जब भी आप नहलाए या फ्रेश करें बॉडी से स्मेल वगैरह आ रहा है तो स्मेल को दूर करेगा, टिक्स वगैरह है तो टिक्स को दूर करेगा, टिक्स का प्रॉब्लम कैसे है? ये गीले रहते हैं डॉग तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जैसे बाल आपके गीले आप छोड़ के बाल लेंगे तो बाल में अपने आप होते हैं ना ये सारे कुछ, हाँ वो बाल तो सूख जाएगा लेकिन वो टिक्स को निकालना पड़ेगा आपको कॉम से, जैसे अपने निकालते हैं उसी तरह, ये आपका ड्राइवर्स है इसको करके दिखा दीजिए, हाँ ये करके दिखा देंगे, बस ये फोम बेस्ड है, जब आप इसको स्प्रे करेंगे तो फोम टाइप का बनेगा जाए और उसको हाथ से रब करके थोड़ी से पहुँच गए साफ हो गया आपका डॉग, इसमें स्मेल आपका थोड़ा मारता है उसका स्मेल खत्म होता है, सफाई थोड़ा देखता है, और उसके बाद कॉम कर लेना, कॉम करके ये उससे आपको ये पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, और यही प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है और यही रिपीट करते रहेंगे, और जो शेड्यूल मैंने बताया इसे धीरे धीरे क्वांटिटी में इंक्रीज किया जाएगा एज पर जैसे बच्चा जब बढ़ रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 15 से 20 ज़्यादा देंगे फिर नेक्स्ट जैसे थोड़ा और बढ़ा देंगे फिर थोड़ा और बढ़ा देंगे, फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी के हिसाब से जितना वो डिमांड कर रहा है उतना देते जाएंगे, बहुत ज़्यादा डॉग को हेल्दी नहीं करना वो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा अगर डॉग हेल्दी हो जाएंगे तो वो फिर चलने में दिक्कत, अभी तो ये फिलहाल 3 महीने हाँ जब तीनों वैक्सीन इसका कंप्लीट हो जाएगा, वैक्सीन की प्रक्रिया आपको 45 डेज से स्टार्ट हो जाती है, इसका एक वैक्सीन लगा हुआ है जिसको एक पहला वैक्सीन लगा हुआ है जो कि 30 डेज पर लगता है उसको पप्पी डिपी बोलते हैं, वो लग चुका है, दूसरा वैक्सीन इसका लगेगा 45 डेज पर, फिर आफ्टर 21 डेज की है अभी 1-2 दिन कम होगा, नेक्स्ट आपको जब डिवॉर्मिंग कर लेंगे उसके 3-4 दिन के बाद आपको दे देना है,
तो अभी ये खिलाना शुरू करते हैं लेवर टॉनिक, ठीक है, ये दे देंगे उसके चौथे दिन के बाद आपके इस करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर भी आके करा सकते हैं, कॉल करके बुला भी सकते हैं, घर पर भी जाने की सुविधा है, घर पर अपने पतों से वैक्सीन वगैरह। तो ये वैक्सीन की प्रक्रिया जो पहला 45 डेज पे, दूसरा सेकंड जो लगता है तो आफ्टर 21 डेज लगेगा, फिर उसके बाद तीसरा वैक्सीन, फिर रैबीज का लगता है, एडी रैबीज, क्योंकि आपको कभी बाइट कर ले 90 डेज के बाद, इसके बाइट करने के बाद वो रैबीज होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए आपको वो रैबीज एंटर अभी कोई टेंशन नहीं, लेकिन आफ्टर 90 डेज, तो 90 डेज से एक दो दिन पहले ही करा। आफ्टर 90 डेज मतलब किस कब से 90 डेज? अभी मैंने जब आपको बताया 45 डेज के आसपास का, तो आफ्टर 45 डेज 90 डेज तक का हो गया ना, तो उस वक्त टेंशन होता है, यहां से ले जाने के बाद 90 डेज में जोड़ेगा, इसका डेट ऑफ बर्थ से 90 डेज हो, तो उसी बीच में हमें इसे दोहराना होगा ना। हां, चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं हमारे आज के कस्टमर की राय कि भाई उनका एक्सपीरियंस हमारा यहाँ का कैसा लगा, तो आप लोग बताएं भाई हमारे यहाँ आए जो भी हमारे द्वारा जो कुछ भी मिला, जेन्युइन रिव्यू। रिव्यू तो मतलब पपी तो बहुत प्यारा है और जैसा वीडियो में दिखा था वैसा ही है, और आपकी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया और समझाया गया वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, यहाँ आए और यहाँ से पपीज लेके जाए। धन्यवाद। Feel like I'm floating through the air. Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. My mind is free.